हेलो हेलो व्यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। अगर आप कुछ प्रे कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो क्या है जो पूरा हो सकता है बहुत जल्द। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, एक्यूरेटली रेजोनेट करे, या हो सकता है कि बिल्कुल रेजोनेट ना करे। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा व्यूअर्स कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूं, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। ओके, चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है। ओके, आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, पहला कार्ड जो यहाँ पॉप आउट हो रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अगला कार्ड जो यहाँ पर है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पर कार्ड्स अरेंज किए हैं। देखिए, आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी लोगों का एक डिजायर, एक विश, एक इच्छा कुछ ऐसी भी थी जो आपको मन ही मन इम्पॉसिबल लग रही थी, इसीलिए उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, उसके लिए ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे, उसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन प्रेयर ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। तो कुछ ऐसा था जो आपका डिजायर भी है, आपकी विश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये पूरा नहीं हो सकता, या इतना आसान नहीं है इसका पूरा होना, ऐसा कुछ आपको लग रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे कुछ ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है, कुछ ऐसी ही इच्छा पूरी हो सकती है जो आपका डिजायर है, आपकी विश है, लेकिन कभी आपने उसको बहुत पैशनेटली प्राप्त करने की कोशिश नहीं की कि मुझे चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, अब मैं कैसे भी कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करूं, पर मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर ऐसा आपने उस चीज के लिए पैशन या डेडिकेशन नहीं दिखाया है, लेकिन एक छुपी हुई डीपली कहीं आप चाहते तो थे कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ हमेशा ऐसा होता है लाइफ में, तो यहां देखकर लगता है कि जरूर ऐसी कोई चीज हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ रहा है, कोई ऐसी गुड न्यूज आ रही है, कोई ऐसा समाचार आपको मिलेगा जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि व्यूअर्स, अगर आप सच में कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं डिवाइन से, और मांगने के बाद भी, प्रे करने के बाद भी आपको लगता है कि ठीक है, मैं प्रे कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज कभी रियल होगी या सच में कुछ ऐसा होगा। तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ कुछ नहीं करना है आपको, आपको विश्वास अपना स्ट्रांग करना है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, यानी कि जो आपका फेथ है, आपका बिलीव है, वो स्ट्रांग रखना है आपको कि नहीं, मैंने सोचा है, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास है यानी कि कॉन्फिडेंस है, और परमात्मा पर भी विश्वास है यानी कि मुझे ईश्वर पर भी भरोसा है, मैंने डिवाइन को सरेंडर किया है अपने सारे डिजायर्स को और कंसर्न्स को, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, और जो भी होगा वो मेरे हित में होगा, इतना पॉजिटिव सोचकर ही आपको प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है जो भी आप कर रहे हैं। ओके, ये नहीं सोचना कि ये तो इम्पॉसिबल है। ओके, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो सकता है, बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर द सरप्राइजेस दैट कैन कम। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने मांगा था बहुत बड़ा ट्री, लेकिन आपको मिला है अभी प्लांट। ओके, यानी कि बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष मांगा है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण मात्र है, कि आपने एक हरा भरा वृक्ष मांगा है लेकिन मिला है आपको छोटा सा पौधा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतने से ही इतना ही मिल सकता है आपको, आप डिजर्व नहीं करते या आपको और मिलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। तो इसीलिए जो भी आपको हर एक स्टेप पर मिलता जा रहा है उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, कहीं ना कहीं उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए, ओके, और उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाइए। हर एक स्टेप पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप बहुत कुछ अचीव करते जाएंगे और एट द एंड आप वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे, या एट द एंड आपको जरूर वो मिल जाएगा जो आपका मेन गोल है, जो आपका ड्रीम है, वो जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे अब वृक्ष चाहिए था तो मुझे डायरेक्ट वृक्ष चाहिए, मुझे पौधा नहीं चाहिए, मुझे प्लांट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट हरा भरा पेड़ चाहिए, ऐसा नहीं होता। पेड़ तक पहुंचने के लिए या उसको पेड़ के रूप में देखने के लिए पहले पौधे के साथ मेहनत करनी पड़ती है, पहले हमें पौधा लगाना पड़ता है, बीज लगाने पड़ते हैं, फिर वो पौधा बनता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, जैसा भी है वो ट्री, ओके। तो कहने का अर्थ क्या है कि पहले जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एक ड्रेस तो मिलती है लेकिन वो ड्रेस उनके मन की नहीं होती है, तो वो बोलते हैं मैं ये ड्रेस पहनूंगा ही नहीं, छूने वाला भी नहीं हूं, और ये ड्रेस अब रखी रहेगी, देख लेना एंड ऑल दैट, पहनते नहीं है, जिद करते हैं, ओके। लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ठीक है अभी ये वाली आई है, अभी कल को कोई और फेस्टिवल में हम लेंगे, ये किसी और ओकेजन पर लेंगे, और अच्छा ड्रेस लेंगे। तो वन बाय वन एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, कंप्लेन करते हैं, मना करते हैं, नहीं मैंने मांगा तो वो था, मैंने मांगा तो चांद था, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ओके। तो यहां पर थोड़ा आपको जो भी मिलता जाता है स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अगले गोल के लिए, अगले स्टेप के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ओके। यहां पर मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। किस तरह की हो रही है ये नई शुरुआत? हो सकता है व्यूअर्स कि आपके लव लाइफ में हो रही है ये न्यू बिगिनिंग, ओके। पास्ट पर्सन के साथ ही कोई नई शुरुआत हो रही है, करेंटली कोई आपके लाइफ में है उनके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक नए सिरे से सब कुछ शुरू हो सकता है, अगर कोई इश्यूज भी चल रहे थे, ओके, किसी के साथ सेपरेशन हो गया था तो उनके साथ भी न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी इस पर्सन के साथ यूनियन हो जाए, इस पर्सन के साथ मेरी फिर से सब चीजें स्टार्ट हो जाए, इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो, एक और चांस मिले, एक और अपॉर्चुनिटी मिले, तो कहीं ना कहीं वो न्यू बिगिनिंग आपको मिल सकती है, आपकी वो जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है ऐसे भी लोग हैं जिनकी विश थी कि उनकी लव लाइफ स्टार्ट हो, ओके। हो सकता है पहले आप डिप्रेस भी रहे हैं, या हो सकता है बहुत हार्ट ब्रेक आपका हुआ था, उस वजह से आपको मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगा, बहुत समय तक आपने अपने हार्ट ब्रेक को सफर किया है फिर मूव ऑन कर पाए हैं, लेकिन अब आप लाइफ में अच्छा चाहते हैं, कुछ कोई न्यू पर्सन की एंट्री चाहते हैं, किसी एक अच्छे इंसान को तलाश रहे हैं, अपने सोलमेट की खोज में हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी न्यू पर्सन को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे या अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते थे, ओके, पुराने पर्सन से मूव ऑन करने के बाद किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस तरह की विशेष पूरी हो रही है, क्योंकि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। अब ये तो रहा लव लाइफ के बारे में, अब मैं बताती हूँ कि ये करियर में भी, आपकी हेल्थ में भी, फैमिली में भी, सब चीजों के लिए, सभी एरियाज के लिए मैं कहूंगी कि न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आपके करियर में भी अगर चीजें स्लो हो गई थी, कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, थिंग्स वर कॉन्स्टेंट, सब कुछ एक जैसा ही था, कुछ बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था, यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग चेंज, ओके। आप चेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है। कई लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें वो बिल्कुल पैशनेट नहीं थे, बिल्कुल उनका मन नहीं था करने का, सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, सेक्रीफाइस किया था, तो वहां से हटकर आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ स्किल सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स, किसी नए कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो जॉब छोड़कर बिजनेस करेंगे, या बिजनेस की जगह कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ और क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में कहीं ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप वो करेंगे। लेकिन ये हर तरह से नई शुरुआत है, सिर्फ प्यार के लिए नहीं है, करियर के लिए भी है, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है।
तो यहाँ पर आप में से जो लोग ऐसी न्यू बिगिनिंग मांग रहे थे, बहुत समय से लाइफ स्टक और कॉन्स्टेंट चल रही थी, सेम पैटर्न पर सब कुछ रिपीट हो रहा था, एक डेली रूटीन भी सेम बन गया था, कोई चेंज नहीं था, ऐसा ऐसा करना है, हर दिन ऐसा बीत रहा है, हर महीना हर साल ऐसा बीत रहा है, बस ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अब चेंज आप देखेंगे और वो चेंज एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि यहाँ मैसेज है न्यू मून एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके व्यूअर्स, हो सकता है कि शुरू में आपको, जब ये न्यू बिगिनिंग हो तो हो सकता है शुरू में चीजें आपको आपके मन की ना लगें, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े। ओके, लेकिन आगे जाकर जरूर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आइए चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, डिवाइन का क्या गाइडेंस है, यहाँ पर हम आपके लिए देखते हैं। टेक एक्शन। ओके व्यूअर्स, अब बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में रहने की, बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट एनर्जी में और बहुत स्टिल एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन टेक एक्शन, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। अब आप एक्शन ले सकते हैं, जो एक्शन लेना चाहते थे, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, नहीं मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगी, सही वक्त आने दो, सही वक्त के समय हम करेंगे, राइट टाइमिंग का इंतजार करेंगे। और आप हो सकता है काफी चीजों को लेकर सोच रहे थे, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं एक्शन लूं या नहीं लूं, तो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन, आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, सो टेक एक्शन। ओके व्यूअर्स, अभी एक्शन किस क्षेत्र में लेना है, यू नो इट बेटर। ओके, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये रीडिंग काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो सबके लाइफ में अलग अलग केसेस, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, उसी के बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किस क्षेत्र में एक्शन लेना है और वो क्या इंपॉर्टेंट एक्शन है, वो कैसे आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करेगा। ओके, बट यू आर रेडी टू टेक एक्शन। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर एक और मैसेज आया है, बी असर्टिव। ब्यूटिफुल व्यूअर्स, पहली बात तो ये कि बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ, स्टेबिलिटी पॉजिटिविटी और क्लैरिटी ये रखना है आपको। यानी कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है थॉट्स में, या क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में, या कहीं ना कहीं बहुत फ्लक्चुएशन है, या बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है चीजों को लेकर, ओके, बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं आप किसी चीज को लेकर, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सेंसिबल रहना है, स्टेबल रहना है और क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि परिस्थिति बहुत डामाडोल हो सकती है, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को, अपने थॉट्स को बहुत ही बैलेंस्ड, स्टेबल और क्लियर रखिए। विकट से विकट परिस्थिति में भी संयम मत छोड़िएगा और सेंसिबिलिटी मत छोड़िएगा। ओके, इमोशंस में बहना नहीं है, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं है, बहुत सोच समझकर, धैर्य के साथ, क्लैरिटी के साथ जो भी करना है वो करिएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ भी, ओके, जो भी करना है वो पॉजिटिविटी के साथ करना है। आई डोंट नो व्हाई डू आई फंबल विद वर्ड्स अ लॉट, आई डोंट नो, यहाँ पर जो भी करना है पॉजिटिविटी के साथ करना है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको और क्लैरिटी रखनी है। देखिए, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर विचारों में क्लैरिटी है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और क्लैरिटी होने के बाद आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है कि जो है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा आपके लिए। ओके, चाहे ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपकी लाइफ के लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके, आइए चलिए देखते हैं यहां पर हम क्या मैसेज है। Ask your angels. Okay. तो यहाँ पर आप में से काफी लोग हैं जिन्हें अपने लिए स्पेसिफिक आंसर चाहिए, स्पेसिफिक आंसर, और वो काफी सारे लोग हैं, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने गार्जियन एंजल्स से पूछिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है, कोई क्यूरियोसिटी है,
कोई क्लैरिटी चाहिए आपको, ओके कोई डाउट भी है, तो आप अपने गार्जियन एंजल्स को पूछिए, ध्यान में जाके मेडिटेट कीजिए, शांति से बैठिए, ओके और उस वक्त अपने गार्जियन एंजल्स को कॉल कीजिए यानी कि उनको बुलाइए, उनको पूछिए कि आप मुझे गाइड करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं, और मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है वो मुझे समझाएं, चाहे मुझे किसी भी तरह से वो मैसेज दें, लेकिन मुझे कोई साइन दें और मुझे समझाएं कि मुझे क्या करना है। तो जो भी कन्फ्यूजन आपको है, कहीं ना कहीं आपको आपके एंजल्स यहाँ पर हेल्प करेंगे, और आपको उनसे पूछना है, और आपको उनकी तरफ से कोई साइन, कोई रिप्लाई, कोई मैसेज जरूर मिलेगा। अब वो अलग अलग तरह से मिल सकता है, आपके सपनों के थ्रू आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे दिख सकते हैं, जैसे कि कैट दिख रही है, डॉग दिख रही है, बटरफ्लाई दिख रही है, या मंकी दिख रहा है, ज्यादातर जो अक्सर आपके साथ नहीं होता है लेकिन अचानक होने लगा है, तो वो भी साइन हो सकते हैं, या कहीं पर आप कुछ सुन रहे हैं और आपको कोई बात क्लिक कर गई, तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह से स्पिरिट्स और एंजल्स गाइड करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, और किन चीजों के लिए आपको अवेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगी सबसे पहले वो आप तक पहुंच सकेगा। ओके व्यूअर्स, इसीलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस बात का ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। मैंने कभी पर्सनल रीडिंग नहीं दी है यहाँ पर यूट्यूब पर, मैंने कभी कोई पर्सनल रीडिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपके इस वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, आई लव यू ऑल, बाय बाय।